हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक सूचना, अब से आप क्राफ्ट मटेरियल घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करके मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। जो जो मटेरियल मैंने अपने वीडियोस में यूज़ किए हैं और भी बहुत तरह का क्राफ्ट मटेरियल आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो अब से जो आप यहां पर देखते हैं, सीखते हैं, सेम वैसा बना भी पाएंगे और डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइसेस, सो गो फॉर इट। और चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जो लेफ्ट ओवर लेस वगैरह है उससे इस तरह की राखी बनाना सीखेंगे। उसके लिए ये बॉल चेन का एक पीस मैंने लिया है, हमें 5-7 साइज के पीसेस लेने हैं, तो 2-3 इंच से लेकर 5-6 इंच तक के। और इस तरह से इसके टिप पर ग्लू लगाकर हमें ये पर्ल इसके साथ अटैच करना है। और इसी तरह के हमें 7-8 पीसेस बनाने हैं अलग अलग साइज के। उसके बाद ये एक फ्लावर है, फ्लावर पेच है, इसे बैक साइड से हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पर जो है इसके एक साइड हम ग्लू लगाएंगे और ये जो चेन्स हमने रेडी की है उन्हें हम इस तरह से इस पर चिपका देंगे। इन्हें हैंग करना है हमें, तो इस तरह से हम इसे चिपकाते जाएंगे पास पास से। अलग अलग साइज के ये पीसेस हैं बॉल चेन के, अलग अलग साइज के इन्हें हमने कट किया है। इस राखी का लुक थोड़ा हैवी भी आता है। इस तरह से जो है हमने इसे चिपका लिया और ऊपर में हम एक्स्ट्रा ग्लू डाल देंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए, निकले ना। इस तरह से जो है अच्छे से हमने इसके ऊपर ग्लू डाल दिया। इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। ड्राई होने के बाद ये इस तरह का रहेगा। इसे हम एक बार साइड रखेंगे और उसके बाद ये एक लेस का बचा हुआ पीस है, इसे हमें बैक साइड से रखना है। और इसके सेंटर में हमें ये एक डोरी है राखी की, इसे जो है हम इस तरह से ग्लू लगाकर इसके सेंटर में इस थ्रेड को, डोरी को हम इसके ऊपर रखेंगे। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये फ्यूजिंग के 3 पीस हैं, उन्हें हम ग्लू लगाकर डोरी और इस लेस के ऊपर बीच में इस तरह से लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से इसको अपने साथ चिपका लेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, निकल के नहीं गिरेगा। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप किसी भी तरह की लेस ले सकते हैं। उसके बाद ये जो पीस हमने बनाया है ये इसे हम यहाँ सेंटर में पेस्ट करेंगे। तो सेंटर में जो है हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इस पीस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहना हुआ ये बहुत सुंदर लगता है, हेवी लुक देता है और इसमें मटेरियल भी ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आप बचे हुए लेस के पीसेस से या एक दो पेच इस तरह के जो बच जाते हैं, बॉल चेन तो लगभग सबके पास होती है, बहुत जगह काम आती है, और पर्ल्स किसी भी साइज़ के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।